कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के हथलीखड़ स्थित भंडारण भवन परिसर में मिनी सब्जी मंडी लगाई गई थी। इस मिनी सब्जी मंडी में जिला हमीरपुर के सभी विकास खंडों से 25 सब्जी उत्पादकों ललित कालिया, सोमनाथ, ओमकार सिंह, बृंदा शर्मा के अतिरिक्त अन्य सब्जी उत्पादकों ने पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक खेती पर आधारित विभिन्न प्रकार के 10 क्विंटल उत्पादों की 35,000 रुपए में बिक्री की। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के हथलीखड़ स्थित भंडारण भवन परिसर में मिनी सब्जी मंडी का आयोजन किया गया। मिनी सब्जी मंडी में जिला हमीरपुर के सभी विकास खंडों से 25 सब्जी उत्पादकों ने भाग लिया। इस मौके पर सब्जी उत्पादकों ने पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक खेती पर आधारित विभिन्न प्रकार की 10 क्विंटल उत्पादों की 35,000 में बिक्री की। अलग अलग स्टॉल लगाकर इन सब्जी उत्पादकों ने फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू, बैंगन, अदरक, धनिश, गंडियाली, पालक, काली सरसों, शलगम, गलगल, टमाटर, सूखा टमाटर, हल्दी, सफेद तिल, मक्की का बीज, पॉपकॉर्न के लिए कद्दू, लौकी, नींबू, रौंगी, लहसुन, आंवला, अरबी, पपीता इत्यादि उत्पादों को बिक्री के लिए रखा और जो चंद ही घंटों में हाथों हाथ भी बिक गई। पोषक तत्वों से भरपूर विशुद्ध प्राकृतिक तौर पर उत्पादित इन उत्पादों की खरीद के लिए स्थानीय लोगों ने भी विशेष प्रकार से रुचि दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त हरिकेश मीणा ने सब्जी उत्पादकों से प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए उत्पादकों की जानकारी ली तथा मेहनत कर किसानों की सराहना की। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक तौर पर उत्पाद तैयार करने वाली सब्जी उत्पादक किसानों के लिए हर माह सप्ताह में सोमवार तथा वीरवार के 2 दिन उपायुक्त कार्यालय के साथ बचत भवन में उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया गया। इस स्थान पर सप्ताह में 2 दिन प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक अपने उत्पादों की वे बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने स्वयं भी गोभी, पालक, धनिया, पपीता तथा अन्य उत्पादों की खरीदारी की। उन्होंने सब्जी उत्पादकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे इन उत्पादों को बड़े पैमाने तथा समूहों पर तैयार करने का प्रयास करें जिससे उन्हें अधिक मुनाफा हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों तथा सब्जी उत्पादकों के लिए बेहतर विपणन सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जिला में जीरो बजट खेती अपनाने के लिए अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए कृषि उपनिदेशक की सराहना भी की। उपायुक्त ने सब्जी उत्पादकों को आचार, मुरब्बा, चटनी इत्यादि भी बड़े पैमाने पर तैयार करने का परामर्श भी दिया। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम चली है नेचुरल फार्मिंग के लिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। उसके तहत हमीरपुर में हमारे काफ़ी फार्मर्स इसमें काम कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी काफ़ी निकल रहे हैं। और डिप्टी डायरेक्टर जो कुलदीप जी हैं, इनके पास पहले डिप्टी डायरेक्टर आत्मा का चार्ज था, तो इनकी देखरेख में काफ़ी अच्छा काम हुआ। मोर देन 1,000 फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी 4,000 का टारगेट था ऑलरेडी इस साल के लिए, पिछले साल 25 का टारगेट था, तो उसमें हमने 1,000 के आसपास के फार्मर्स इनरोल किए थे। इस बार 4,000 के अगेंस्ट अभी ऑलरेडी 4,500 के आसपास ऑलरेडी हो गए हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो मार्केटिंग का चैलेंज था, तो इन्होंने बड़ी अच्छी पहल की है। पिछले एक महीने से हर शुक्रवार को यहाँ फार्मर्स आ रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, और जो हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं जिसमें ऑल केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो नेचुरल फार्मिंग में जितने भी फार्मर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जाइका के ऑफिस में। लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इसको वीक में 2 दिन किया जाए, और हम लोग इसको मंडे एंड थर्सडे को कर रहे हैं। और हमको, मैं इनको प्रोमिज भी किया है कि डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जो बचत भवन का एरिया है उधर हम लोग इनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, और इसमें थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए और भी जो भी तरीके हैं वो हम लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मैंने देखा प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली क्योंकि डिफरेंस है और लोगों में जोश भी है, स्मॉल स्केल होती है तो डेफिनेटली अपने चैलेंज होते हैं। लोग अपने गांव से आते हैं, पूरे दिन ही यहाँ लगाते हैं, तो जब 300-400 रुपये का प्रोडक्ट ही बिके तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 300-400 रुपये तो उनकी दिहाड़ी हो जाती है। और कितना प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो सारा हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम इनसे बात कर भी रहे हैं कि भाई अगर कम प्रोडक्ट हैं तो अपने गांव से किसी को मिलके आप उसको भेज सकते हो, तो उसमें आपका सारा दिन बर्बाद भी नहीं हो, तो उसको ऑर्गेनाइज करके उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग 9 क्विंटल के आसपास ये अपना प्रोडक्ट्स लाए थे, उसमें डिफरेंट आइटम्स थे सब्जियों से लेके उसको
बाद 9 क्विंटल के अलावा कुछ प्रोसेस्ड बनते, जैसे आंवला के मुरब्बा बनाना, अचार बनाना। फिर कई लोगों ने बड़ा अच्छा लगा जो सूखा टमाटर है उसको भी प्रोसेस करके यहाँ प्रोडक्ट था, और उसमें लगभग 35 से 40 किलो के बीच में अगर हम टमाटर को प्रोसेस करते हैं तो 1 किलो प्रोड्यूस यहाँ मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया, किसी को तिल्ली भी लाया है, तो एक प्लेटफॉर्म है। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल सपोर्ट है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा और तरीके से मार्केट किया जाए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।